हेलो बच्चों लेट्स रीड दिस क्वेश्चन द क्वेश्चन इज फॉलोइंग इज रॉन्ग इन रिलेशन टू फोटो रेस्पिडेशन यहाँ पे हमें चार ऑप्शन दिए गए हैं एंड इन चारों ऑप्शन में से हमें उस स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना है जो रॉन्ग रिलेशन बता रहा है विथ रिस्पेक्ट टू फोटो रेस्पिडेशन मतलब रॉन्ग डेफिनेशन बता रहा है ऑप्शन ए इट ऑकर्स इन क्लोरोप्लास्ट ऑप्शन बी इट ऑकर्स इन डे टाइम ओनली ऑप्शन सी इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सी फोर प्लांट्स एंड ऑप्शन डी इट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सी थ्री प्लांट सो टू आंसर दिस क्वेश्चन लेट अस अंडरस्टैंड द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. हियर क्वेश्चनेशन क्या होता है इसमें हमें इंस्टेड ऑफ फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमें फिक्सेशन ऑफ ऑक्सीजन देखने को मिलते हैं व्हेन कार्बन डाइ कार्बन डाइऑक्साइड कंसेंट्रेशन इज लो एंड ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन इज हाई एंड ये जो फिक्सेशन होता है इट इज डन बाय एंजाइम दोबिसको ऑल्सो नोन एज रिबुलोस फेट कार्बोक्सिलिस ऑक्सीजनेस। फोटो रेस्पिरेशन साइकिल को सीटू साइकिल भी कहा जाता है नाउ जो मेन थ्री ऑर्गेन इन्वॉल्व होते हैं फोटो रेस्पिरेशन में इट इंक्लूड्स क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकोन्ड्रिया क्लोरोप्लास में फॉटर एस्पिरेशन का प्रोसेस इनिशिएट होता है बट वो फाइनल ये प्रोसेस फाइनलाइज होता है इन परोक्सिजम एंड माइटोकोन्ड्रिया फॉटर रेस्पिरेशन बेसिकली हमें सी थ्री प्लांट्स में ही देखने को मिलते हैं, सी फोर प्लांट्स में फॉटर रेस्पिरेशन एबसेंट होता है एंड इसके पीछे रीजन होता है ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ बंडल शीत इन सी फोर प्लांट्स यहाँ पे जो सेल्स होते हैं यहाँ पे बहुत हाई थीक वाल सेल प्रेजेंट होते हैं जिसके वजह से किसी भी उस सेल के आर पार कोई भी गैसेस एक्सचेंज नहीं हो पाता हेंस ऑक्सीजन एंटर नहीं हो पाता जिसके वजह से वहां पे सिर्फ कार्बोक्सिलेस एक्टिविटी देखने को मिलेगा विद द हेल्प ऑफ रूबिस्को एंजाइम फोटो रेस्पिरेशन सी फोर प्लांट्स में नहीं देखने को मिलता है सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्वेश्चन में पूछा गया था विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग इन रिलेशन टू फोटो रेस्पिरेशन द करेक्ट आंसर हेयर विल बी ऑप्शन सी इट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सी फोर प्लांट्स जो की इनकरेक्ट है विथ रिलेशन टू फोटो रेस्पिरेशन इट इज अरेक्टरिस्टिक ऑफ सी थ्री प्लांट्स इट ऑकर्स इन डे टाइम एंड इट ऑकर्स इन क्लोरोप्लास्ट ये तीनों ऑप्शन सही है बट ये इनकरेक्ट है ऑप्शन सी सीज इनकरेक्ट सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल बेस्ट ऑफ लक